tonight. From that book. Some evil. Oh my God! Why did you do that? क्या होगा अगर आप अपने दोस्तों के साथ वेकेशन मनाने के लिए एक ऐसे वीरान जंगल में जाओ जहाँ पर आपका दोस्त एक ऐसे पुराने इवल को आजाद कर दे जो बहुत खतरनाक हो, तो आप क्या करोगे? इस मूवी में हमें कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को जंगल में देखते हैं जो भाग कर एक पेड़ के पास जाकर छुप जाती है, लेकिन तभी एक आदमी पीछे से आकर उसके सिर पर एक कपड़ा डालता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, जिसके बाद सामने खड़ा एक दूसरा आदमी उसे मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। और जब उस लड़की की आँख खुलती है तो वो खुद को एक बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है और उस जगह पर कोई रिचुअल भी हो रहा होता है और अपनी माँ से मिलना है, लेकिन तभी उसके पापा कहते हैं कि तुमने अपनी माँ को मार डाला है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी होती है जो उस लड़की के पापा से कहती है कि वो अपनी बेटी को जलाकर मार डाले, और वो ये बात किसी शैतानी बुक में पढ़कर बताती है। और फिर उस लड़की का बाप ऐसा ही करता है, वो अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल छिड़कता है, लेकिन उसकी बेटी उससे बार बार बोल रही होती है कि पापा ऐसा मत करो, लेकिन जब वो अपनी बेटी को आग लगाता है तो उस लड़की का असली रूप सामने आता है, जहां वो एक ईवल की आवाज में कहती है कि उसने अपनी माँ को तो मार डाला है और अब वो अपने पापा को भी मार डालेगी। तभी उसके पापा एक शॉटगन से उसका सर उड़ा देते हैं। इसके बाद हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो अपनी वेकेशंस एंजॉय करने के लिए एक कॉटेज में आए होते हैं, जिसमें एक लड़के का नाम डेविड होता है। वो अपने दोस्तों से बहुत दिन बाद मिल रहा होता है और यहाँ पर उसकी बहन भी आई होती है जिसका नाम मिया होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिया बहुत टाइम से अकेली रह रही थी, जिस वजह से वो नशा करने लगी थी, और मिया की इसी आदत को छुड़वाने के लिए वो सब यहाँ पर आए थे। और अब वो सब डेविड के कॉटेज के अंदर जाते हैं जहाँ पर मिया की तबीयत काफी खराब हो रही थी और ये सब उसकी ड्रग की लत की वजह से हो रहा था। मिया कहती है कि उसे यहाँ से बहुत बुरी बदबू आ रही है, तो वो लोग समझते हैं कि शायद मिया यहाँ से भागने के लिए ऐसा कह रही है। तभी डेविड के डॉग को उस घर में एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है और ये वही बेसमेंट होता है जहाँ पर उस लड़की को जिंदा जलाया था। और अब वो लोग बेसमेंट में जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी मरी हुई बिल्लियाँ लटकी हुई मिलती है। डेविड के फ्रेंड एरिक को वहाँ पर एक बुक भी मिलती है जो कि कांटेदार तारों से बंधी हुई होती है ताकि उसे कोई भी खोल ना सके, और ये बुक वही होती है जिसे शुरुआत में उस औरत ने पढ़कर उस लड़की को जलाने के लिए कहा था। एरिक उन कांटेदार तारों को काट कर उस बुक में लिखे गए वर्ड्स को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि अगर इस बुक को पढ़ा तो नर्क का दरवाजा खुल जाएगा और वहाँ से एक ईवल हमारी दुनिया में आ जाएगा, लेकिन एरिक उस बात को इग्नोर करके उन वर्ड्स को पढ़ता है। एरिक जैसे जैसे उन वर्ड्स को पढ़ता जा रहा था तो कोई शक्ति मिया के करीब आती जा रही थी, और लास्ट वर्ड पढ़ने पर वो चीज मिया के बहुत करीब आ जाती है जिसकी वजह से मिया को उल्टी हो जाती है। उसी वक्त मिया जंगल में एक लड़की को देखती है जो उसे अपने पास बुला रही होती है, लेकिन मिया उसे देखकर डर जाती है और घर के अंदर जाकर कार की चाबी उठाकर कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है। मिया बहुत तेजी से कार चला रही होती है, लेकिन तभी वो लड़की मिया के कार के सामने आ जाती है जिसकी वजह से मिया की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो मिया कार से बाहर निकलकर वहाँ से भागती है, लेकिन तभी कोई इनविजिबल पावर वहाँ के पेड़ों की मदद से मिया को पकड़ लेती है, और वो इनविजिबल पावर कोई और नहीं बल्कि वो लड़की ही होती है जो कि एक ईवल होती है। तभी उसके मुंह से एक ब्लैक लिक्विड निकलता है जो मिया के प्राइवेट पार्ट के जरिए उसके अंदर चला जाता है। डेविड की फ्रेंड ओलिविया मिया को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में आ जाती है जहाँ डेविड की नजर मिया पर पड़ती है, जहाँ पर वो बिल्कुल डरी हुई बैठी थी।
तो वो लोग वापस उसे कॉटेज में ले आते हैं। घर आकर मियां बार बार एक ही बात कह रही थी कि उसने जंगल में एक शैतान को देखा है और वो शैतान इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है। तो वो लोग समझते हैं कि ड्रग ना लेने की वजह से मियां की ऐसी हालत हो गई है। अब जब डेविड घर का कचरा बाहर फेंकने जाता है तो वो देखता है कि उसके डॉग को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला है, जिससे डेविड काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और उस डॉग को किसी और ने नहीं बल्कि मियां ने ही मारा होता है। और जब डेविड को इस बात का पता चलता है तो वो अपना गुस्सा निकालने के लिए मियां के पास जाता है। इधर बाथरूम के अंदर हम मियां को देखते हैं जो शावर के नीचे खड़ी होती है और उसने शावर का पानी काफी गर्म कर लिया होता है, लेकिन वो फिर भी वहीं पर खड़ी रहती है। लेकिन इतना ज्यादा पानी गर्म हो जाने की वजह से मियां की स्किन जलने लगती है। तब डेविड बाथरूम का दरवाजा तोड़ के उसे बचा लेता है और वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलता है। लेकिन काफी ज्यादा बारिश होने की वजह से पूरी सड़क डूब चुकी होती है। इसी दौरान हम मियां को कार में एक एविल स्माइल करते हुए देखते हैं। डेविड उसे वापस घर में ले आता है जहां पर ओलिविया मियां को बेहोशी की मेडिसिन देकर उसे सुला देती है। एरिक जो कि अभी भी उस किताब को पढ़ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि एविल से पजेस्ड इंसान पहले तो जंगल में फंसता है, फिर वो अपने ऊपर गर्म पानी डालता है। मियां भी यही सब कर रही थी तो एरिक सबको जाकर बताता है कि शायद मियां को एविल ने पजेस कर लिया है। लेकिन कोई भी एरिक की बातों पर यकीन नहीं करता। और जब वो सब लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर मियां आ जाती है और उसके हाथ में एक शॉटगन भी होती है जिसे वो डेविड के ऊपर चला देती है, जिससे डेविड घायल हो जाता है। और मियां एक एविल आवाज में सबसे कहती है कि तुम सब आज ही मरोगे, और ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। तो जल्दी से ओलिविया शॉटगन उठाने जाती है, लेकिन तभी मियां होश में आकर ओलिविया का हाथ पकड़ लेती है और ओलिविया के ऊपर खून की उल्टी कर देती है। ओलिविया किसी तरह से अपनी जान बचाकर मियां को उस बेसमेंट में फेंक देती है। तो एरिक जल्दी से उस बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। तब ओलिविया उनसे कहती है कि मियां आखिर कैसे उठ सकती है, क्योंकि मैंने तो उसे बेहोशी का काफी बड़ा डोज दिया था। ये सुनकर डेविड ओलिविया को एक और डोज बनाने के लिए कहता है। ओलिविया जब वॉशरूम में डोज तैयार कर रही थी तब उसे वॉशरूम के मिरर में वो एविल दिखता है, जिसके बाद वो शीशा टूट जाता है और ओलिविया को भी वो एविल अपने कब्जे में कर लेता है। और जब एरिक ओलिविया को देखने आता है तो वो देखता है कि ओलिविया एक कांच के टुकड़े से अपने गले को काट रही है। इसके बाद ओलिविया एरिक पर भी अटैक कर देती है और वो उसी कांच के टुकड़े को एरिक के सीने में घुसा देती है। तो एरिक अपनी जान बचाने के लिए ओलिविया को जान से मार देता है। तभी वहाँ पर डेविड भी आ जाता है और वो एरिक के सीने से उस कांच के टुकड़े को निकालता है। वो उसके जख्म की पट्टी करता है, लेकिन एरिक का काफी ज्यादा खून बह गया होता है जिस वजह से उसकी हालत काफी नाजुक होती जा रही थी। तब डेविड अपनी फ्रेंड नेटली को अंदर से मेडकिट लाने के लिए कहता है। नेटली जब अंदर जाती है तो वो देखती है कि मियां रो रो कर उसे अपने पास बुला रही होती है। बेसमेंट के अंदर जाते ही वो मियां की चाल समझ जाती है और बेसमेंट से बाहर आने लगती है, लेकिन तभी उसका एक पैर स्लिप हो जाता है। तो मियां नेटली पर अटैक करके उसे नीचे खींच लेती है और वो नेटली के हाथ को अपने दांतों से काट देती है। लेकिन डेविड नेटली की आवाज सुनकर वहां पर आ जाता है और उसको बचा लेता है, जिसके बाद वो बेसमेंट के दरवाजे को जंजीरों से बंद कर देता है। दूसरी तरफ एरिक उस शैतानी किताब को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किताब जलती ही नहीं है। एरिक उस किताब को फिर से पढ़ता है जहाँ पर लिखा था कि एविल जब पास होल पर कब्जा कर लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और नर्क से एक शैतान हमारी इस दुनिया में आ जाएगा, और अगर उस शैतान को रोकना है तो पजस इंसान को जिंदा जलाना होगा या उसे जमीन में जिंदा ही दफन कर देना होगा। दूसरी तरफ मियां का हाथ जलता जा रहा था और वो भी धीरे धीरे पजस्ड हो रही थी। तो नेटली एक चैनसॉ से अपने हाथ को ही काट लेती है, लेकिन वो शैतान नेटली को ऐसा करने से मना कर रहा था। इसके बाद डेविड नेटली के हाथ की पट्टी करता है और एरिक से पूछता है कि आखिर इस शैतान को कैसे रोका जाए। लेकिन तभी वहाँ पर नेटली आ जाती है, जिसे देखकर लग रहा था कि शैतान ने उसे पूरी तरह से पजेस कर लिया है, और वो एरिक को कीलों से मार मार कर काफी ज्यादा जख्मी कर देती है। लेकिन तभी पीछे से डेविड उसे गन से शूट करके जान से मार डालता है। डेविड एरिक को बाहर छोड़कर कॉटेज में आग लगाने के लिए पेट्रोल को बाहर छिड़कता है ताकि वो
शैतान उस कॉटेज के अंदर ही जलकर मर जाए। और ज्मिट को एक आइडिया आता है कि वो अपनी बहन की बॉडी को जमीन में दफन कर देगा, जिससे वो शैतान उसकी बॉडी से अलग हो जाएगा। और बाद में वो मियाँ को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी हार्ट बीट वापस चलाकर उसे बचा लेगा। अब वो बाहर जाकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदता है, जिसके बाद वो बेसमेंट में मियाँ को पकड़ने जाता है, जहाँ मियाँ उस पर अटैक कर देती है। और जब वो डेविड को पानी में डुबा कर मारने ही वाली होती है, तो एरिक वहाँ पर आकर मियाँ पर अटैक करता है और डेविड को बचा लेता है। क्योंकि एरिक का काफी ज्यादा खून बह गया होता है, तो वो वहीं पर मर जाता है, जिसके बाद डेविड मियाँ को दफनाने लगता है। मियाँ डेविड को काफी ज्यादा इमोशनल करने लगती है, लेकिन डेविड मियाँ की एक भी नहीं सुनता और उसे जिंदा ही गाड़ देता है। फिर थोड़े टाइम बाद वो दोबारा से उस गड्ढे को खोदकर मियाँ को उस गड्ढे से बाहर निकालता है और उसे काफी सारे इलेक्ट्रिक शॉक देता है, ताकि मियाँ की हार्ट बीट वापस चलने लगे और वो बच जाए। डेविड की काफी कोशिशों के बाद मियाँ उठकर खड़ी हो जाती है, तभी डेविड उसे अपने गले लगा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर एरिक आता है, जिसे एवल ने पूरी तरह से पोजेस कर लिया था। एरिक डेविड के गले में एक कांच घुसा देता है, जिससे डेविड का बहुत ज्यादा खून बहने लगता है, जिसके बाद डेविड घर के सारे दरवाजे बंद करके पूरे घर में आग लगा देता है, ताकि बाहर खड़ी मियाँ की जान बच जाए। डेविड और एरिक उस घर के अंदर जलकर मर जाते हैं। जैसा कि उस किताब में लिखा था कि 5 इंसानों को पजेस करने के बाद आसमान से खून की बारिश होगी, और ऐसा ही होता है। आसमान से खून की बारिश होने लगती है, जिसके बाद जमीन से एक शैतान निकलता है और वो मियाँ पर अटैक कर देता है। तो मियाँ एक चैनसॉ से उस शैतान को बीच से काट कर अलग कर देती है, जिसके बाद उस शैतान की बॉडी गलकर जमीन के अंदर चली जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। हरी अप।